यार कैसे हो सभी। तो इस मंथ का जो इलाइट पास है सबने फ्री में लिया, सबकी आईडी एकदम चमचमा गई है, सबको यहाँ पर फ्री आइटम मिलेगा। एंड इसके बाद आने वाला है भुया पास, मतलब ये मंथ का जो है ना ये लास्ट इलाइट पास रहेगा, आपके पास से इलाइट पास नहीं आएगा। लेकिन जो भुया पास आने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। उसके अंदर आप लोग को एवोल्यूशन बंडल मिलेगा, मतलब बंडल का कलर चेंज होगा, ठीक है, काफ़ी एकदम खतरनाक सी चीज़ है ना। एंड लेजेंडरी गन स्किन मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो कि मैं आप लोग को दिखाऊंगा। एंड इसका प्राइस क्या रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, इतना सारा चीज देंगे तो इसका प्राइस कम होगा ज्यादा होगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड स्कैम भी है, ठीक है, भुया पास एक स्कैम है, मैं आप लोगों को स्कैम बताऊंगा। एंड देखो हमारा जो हॉल ऑफ इलाइट पास करके एक इवेंट आएगा जिसके अंदर जितने भी पुराने बंडल है हिप हॉप से लेके सकुरा, मतलब जितने भी बंडल है ना सब कुछ रिटर्न में आने वाला है। तो उसकी डेट क्या, कंफर्म डेट मैं आप लोगों को दिखाने वाला पोस्टर के साथ, तो वीडियो के अंदर काफी ज्यादा मजा आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक ना फ्री फायर के अंदर 52 इलाइट पासेस आ गए हैं। एंड इसके बाद से कोई भी इलाइट पास नहीं आएगा, अब आएगा भुया पास। एंड भुया पास ना इलाइट पास का ही अपग्रेडेड वर्जन है, कुछ अलग नहीं होने वाला, इसमें भी सेम वही टोटल सीन रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो आप लोगों को आइटम मिलेंगे वो एक से एक बढ़कर रहेंगे। देखो जैसे कि यहां पर आप लोगों को एवोल्यूशन बंडल मिलेगा, लेजेंडरी गन स्किन मिलेगी, और जो भी आइटम्स मिलेंगे ना इमोट्स वगैरह जो रहेंगे एक से एक बढ़कर रहेंगे, ठीक है, मतलब आप लोगों को पैसा वसूल लगेगा। तो क्या क्या आइटम्स रहेंगे मैं आप लोगों को दिखाता हूं। हां तो गाइस देखो पार्टनर प्रोग्राम के जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी को मेल बॉक्स के अंदर इन सारे रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, मतलब भुया पास के आइटम मिल चुके हैं। तो यहां पर मैं आप लोग को दिखाता हूं कि भाई इसके अंदर आखिर है क्या क्या चीज एंड कौन सा बंडल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आप लोग को बंडल दिखा दूं, क्या ही झकास लग रहा है ना, मतलब काला मार्शमेलो, मतलब व्हाइट मार्शमेलो आप लोगों ने देखा हुआ है इसका। देखो मेरे को ना बंडल बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, पहन के खेलने में काफी मस्त लगेगा। उसके बाद यहां पर आप लोग को ये जो गन स्किन आप लोग देख रहे हो ये आप लोग को मिलने वाली है, डबल रेट ऑफ फायर रहेगा, एक एक्यूरेसी प्लस इसमें रहेगी, ठीक है, एंड रीलोड स्पीड कम रहेगा। एंड साथ में ग्लूवॉल की स्किन देख रहे हो ना, मतलब देखो, मतलब जो डिजाइन लग रहा है वो ग्रेनेड की तरह लग रहा है, लेकिन ग्लूवॉल काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये जो आइटम्स है ना ये दिखने में ही एकदम आकर्षक लग रहे हैं, मतलब आंख को एकदम मस्त कर दे रहा है ना देखने से। तो ये जो आइटम्स है ये आप लोग को भुया पास के अंदर मिलेगा। अभी आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतने सारे मस्त मस्त से आइटम मिलेंगे तो भाई इसका प्राइस क्या रहेगा, तो प्राइस बताने से पहले मैं आप लोग को बंडल दिखा दूं कि भाई ये जो बंडल रहेगा ना ये एवोल्यूशन बंडल की तरह रहेगा, मतलब इसमें आप लोग लाइटिंग इफेक्ट वगैरह देख सकते हो, इसमें आप लोग ना कलर भी चेंज कर पाओगे। लेकिन इसमें यहाँ पर मेन सीन पता क्या है, इसको एवोल्यूशन बंडल बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, डायमंड खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए ना आप लोगों को इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अपग्रेड करने वाला सिस्टम रहेगा। जिस तरीके से एवोल्यूशन बंडल, मतलब एवोल्यूशन गन स्किन को अपग्रेड कर दो तो आप लोगों को इमोट्स मिलते हैं, वो सारी चीजें फीचर्स मिलते हैं ना, तो इसको आप लोग जब अपग्रेड करोगे तब जाके आप लोग को बंडल का पूरा लुत्फ उठाने मिलेगा, तब जाके आप लोग बंडल वगैरह को, मतलब कलर वगैरह चेंज कर पाओगे, बाकी जो आइटम है वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो यहां पर मैं आप लोग को बता दूं कि गैना ने बहुत ही मस्त गेम खेला, ये लोग को 500 डायमंड के अंदर ये लोग को कम प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि देखो कमी बंदे ले रहे थे एंड ये लोग अच्छा बना भी नहीं रहे थे, पूरा एकदम मतलब होता है ना एकदम ऐसे दिल से नहीं बना रहे थे, ठीक है। तो इस बार ये लोग ने प्राइसिंग जो है वो 1000 डायमंड से लेके 1500 डायमंड तक आप लोग को यहाँ पर देना पड़ सकता है। अब देखो बाकी गैना की मर्जी है कि कम करेंगे ज्यादा करेंगे, वैसे गेम अभी फ्री फायर इंडिया के अंदर बैन है, मैं आप लोग को बता दूं, खेल पा रहे वो अलग बात है लेकिन गवर्नमेंट के नज़र में अभी नहीं है तो हम लोग खेल पा रहे, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर सीन ये है कि यार आप लोगों को ना इतना ज़्यादा डायमंड देना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि 600 डायमंड भी हो जाए, लेकिन मेरे को इतना कन्फर्म है कि 500 डायमंड से ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, आगे भी करेंगे तो डायमंड ज़्यादा लेंगे, ये कन्फर्म सी बात है, ठीक है। एंड अभी जो इलाइट पास ये लोग ने दिया ना तुम लोगों को खुश करने के लिए, अभी पूरा पैसा वसूल करने वाले, चिंता मत करो, अभी हॉल ऑफ इलाइट पास करके एक इवेंट आएगा, ठीक है, जिसके अंदर पुराने जितने भी बंडल्स है वो आप लोग को रिटर्न में देखने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ पर तुम लोग बहुत पहले बोलते थे ना कि जस्टिस नहीं मिला, हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को पुराने बंडल रिटर्न में चाहिए, मैं तुम लोग को बार बार बोलता रहता था कि भाई जस्टिस तब मिलेगा जब हम लोग को फ्री आइटम्स मिलेंगे, ठीक है, गैना की तरफ से फ्री आइटम मिलेंगे उसको कहेंगे जस्टिस, ना कि पुराने बंडल को रिटर्न में देगा। पुराने बंडल रिटर्न में देंगे तो डायमंड तुमसे कमाएंगे ही ना यार, मतलब गेम तुमसे पैसा कमाएगी, ठीक है। तो जो भी है अभी तुम लोग को जितने भी पुराने इलाइट पासेस है वो तुम लोग को रिटर्न में देखने को मिलेंगे, इसका एक पोस्टर भी आ गया, मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। यार यहां पर आप लोग खुद देख सकते हो कि यार यहां पर जो हमारा सकुरा बंडल है 9 दिसंबर को आने वाला, 10 दिसंबर को हिप हॉप आएगा, उसके बाद देख सकते हो डेट वगैरह कि 1 से लेके यहां पर 6 सीजन तक तुम लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस यहां पर ना पूरा जो इलाइट पास है वो रिटर्न में देखने को मिलेगा। मुझे हिप हॉप वालों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मतलब देखो 4 साल हो गए, ठीक है, गेम को, एंड 4 साल पहले जो बंदा स्टार्ट किया था उस टाइम पे उसने डायमंड परचेज किए थे जबकि गेम नया नया लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे उसने लिया था, अभी मतलब इतना ज्यादा रेयर है और वो रिटर्न में आ जाएगा। अब देखो यहां पर मैं तुम लोगों को एक चीज पहले ही बता दूं कि तुम लोग को इसको परचेज नहीं करना है, काफी बंदे इस चीज के लिए मेरे को हेट भी करते हैं कि भाई तुम क्यों बोलते हो कि यार नहीं परचेज करना, हमारी मतलब मर्जी, हम लोग करें ना करें, लेकिन यार देखो गलत यहां पर यह है कि यार तुम लोग खुद के कमाई से नहीं करते, माँ बाप की कमाई से करते हो ना, वो
मेरे को बहुत गंदा लगता है, ठीक है। तो जो भी है यार, देखो मैंने मेरा काम है समझाना, मैं तुम लोग को समझा रहता। देखो क्योंकि सीन ये है कि अगर सपोज करो यहाँ पर हिप हॉप रिटर्न में आता है, ठीक है, तो उसके बाद यार उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो रेयर नहीं रहेगा। जब कोई चीज़ रेयर रहता है ना तो उसका वैल्यू रहता है, ठीक है। अब वो चीज़ रेयर ही नहीं है, तुम लोग ले लोगे तो वो गोल्ड वाल की तरह हो जाएगा, सारे बंदे हिप हॉप पहन के घूमेंगे ना तो तुमको ऑटोमेटिकली मन नहीं करेगा वो उसको पहनने का, ठीक है। जैसे कि ग्रीन को क्रिमिनल आया था, सारे बंदों ने निकाला, सारे बंदों ने निकालने के बाद क्या वो गोल्ड वाल बन गया, वो अब किसी को पसंद आता नहीं है, ठीक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई देखो अगर गोल्ड वाल है ना, गोल्ड वाल कितना भी अच्छा आ जाए लेकिन अगर सारे बंदे उसको निकाल लेते तो कोई पहनता नहीं है, ठीक है। कोई रेयर चीज़ कोई पहना चाहता है तो महंगी चीज़ कोई पहनता है। तो यही बोलूंगा कि रेयर चीज़ जो रिटर्न में आता है उसको मत लेना। तो बाकी जितने भी अपडेट्स वगैरह थे मैंने तुम लोग को बता दिया, सब कुछ दिखा दिया। तो अब मैं मिलूंगा कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।